हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और आज की तारीख में टोटल 33,600 नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज साउथ कोरिया में, क्योंकि हर साल हजार से भी ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया चले जाते हैं। लेकिन एक मिनट, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो बॉर्डर है वो तो दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड और खतरनाक बॉर्डर है, तो ये लोग आखिर भागकर वहाँ पे कैसे जाते हैं? और किम जोंग उनको तो आप जानते ही हो, तो अगर ये लोग गलती से पकड़े जाते हैं तो किम उनके साथ क्या करता है? और अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लोग आखिर अपना देश छोड़ के दूसरे देश पे क्यों भाग रहे हैं, तो उसका जवाब एकदम ऑब्वियस है। उनका सुप्रीम लीडर, उसने लिटरली पूरे नॉर्थ कोरिया में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब रूल्स लगा रखे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं। जीन्स नहीं पहन सकते, खुद का मनपसंद का हेयर कट नहीं कर सकते, गाना नहीं सुन सकते। इंसान करेगा तो करेगा क्या? और गलती से भी नॉर्थ कोरिया में ये मत कर देना, वरना तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को जेल हो जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सरकाज्म या फिर जोक्स मारना भी एक कानूनी अपराध है। और अगर आपको ये सब सुन के ये सवाल आ रहा है कि आखिर वहाँ के लोग नॉर्थ कोरियंस जीते कैसे होंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वेल इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको वही बताने वाली। और इसके साथ आज हम ये भी जानेंगे कि जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागते हैं आखिर वो भागते कैसे हैं, और अगर गलती से वो पकड़े जाते हैं तो उनका क्या हासिल होता है। शुरू करते हैं उसी पॉइंट से जो देखने के लिए आप इस वीडियो पे आए हो, कि आखिर कैसे एक एवरेज नॉर्थ कोरियन इंसान की जिंदगी चलती है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहाँ के अजीबोगरीब कायदे कानूनों से। रूल नंबर वन, नो सरकास्म। 2014 में सोनी पिक्चर्स ने एक मूवी रिलीज की थी जिसका नाम था द इंटरव्यू। इस मूवी में दो अमेरिकन जर्नलिस्ट इंटरव्यू के लिए नॉर्थ कोरिया जाते हैं, और पूरी मूवी का सबसे बड़ा जोक था किम जोंग उन, जिसकी फुल फ्लेज रोस्टिंग की गई थी इस मूवी में। अब ऑब्वियसली ये देख के वहाँ के सुप्रीम लीडर को इतना अच्छा नहीं लगा और उससे अमेरिका में टेररिस्ट अटैक्स करवाने की धमकियां देने लगी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सोनी पिक्चर्स के सर्वर्स को भी हैक करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने पूरे नॉर्थ कोरिया में सरकाज्म को ही बैन करवा दिया। और गलती से भी अगर किसी ने सुप्रीम लीडर का मजाक उड़ाया या उन्हें देख के आंखें मोड़ ली तो भैया आंखें निकाल के गोटी खेली जाएगी। अजीब रूल नंबर टू, जबरदस्ती शोक मनाना। अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसा रूल है, तो पहले इसके पीछे का कारण सुनो, जो ये था कि जब 2011 में किम जोंग उन के पिता किम टू संग की मौत हुई थी, तब 100 दिनों की शोक सभा चली थी जहां हर किसी को कंपल्सरीली आना था, और जो नहीं आता था उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था, जिस वजह से करोड़ों की तादाद में लोग रस्तों पर गिर गिर कर किम टू की मौत का शोक मना रहे थे। और अगर कोई रोते हुए नहीं दिखता या फिर उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जेन्युइनली दुखी है, उन लोगों को सीधा प्रिजन कैंप्स में भेज दिया जाता था। अजीबोगरीब रूल नंबर थ्री, नो रिलीजन अलाउड। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस बैंड है, और क्रिसमस की जगह पर लोगों को जबरदस्ती हर साल 25 दिसंबर को किम जोंग उन की दादी की पूजा करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में 200 से 300 हजार क्रिश्चियंस हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे रिलीजन का प्रैक्टिस करना इलीगल है। सिर्फ एक बाइबल रखने के लिए लोगों को टॉर्चर किया जाता है, प्रिजन कैंप्स में भेजा जाता है, और यहाँ तक कि पब्लिकली एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 2013 में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने 80 क्रिश्चियंस को गोली मार दी थी। उनका गुना बस यही कि उनके घरों से एक बाइबल मिली थी। इनफैक्ट माना जाता है कि आज भी वहाँ पे कम से कम 50 से 70 हजार क्रिश्चियंस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंदी बनाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और ये सब सिर्फ इसीलिए किया जाता है क्योंकि किम जोंग उन और उनके परिवार के हिसाब से वहाँ पे सिर्फ एक ही भगवान है, किम जोंग उन और उसका पूरा परिवार। अब चलो ये तो बात हुई वहाँ के रूल्स की, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो एक नॉर्थ कोरियन रहवासी के स्टेटस से लेकर उसके करियर तक को अफेक्ट करता है, सॉन्ग बन। सॉन्ग बन क्या है? वेल बेसिकली जैसे कि हमारे इंडिया में एक कास्ट सिस्टम होता है, वैसे ही सॉन्ग बन नॉर्थ कोरिया का क्लास सिस्टम है। इस क्लास सिस्टम को कोरियन वॉर के बाद 1957 में अपनाया गया था, जिसके बाद वहाँ के लोग सारे लोग तीन क्लासेस में बढ़ गए थे। पहले क्लास को कहा जाता है कोर, और नॉर्थ कोरिया के पॉपुलेशन के सिर्फ 28% लोग ही इस क्लास में फॉल होते हैं। अब इस एलीट क्लास में आना सबके बस की बात नहीं होती। अगर तुम्हारे पूर्वजों ने कोरियन वॉर में किम परिवार का साथ दिया था और नॉर्थ कोरिया के लिए लड़े थे, तो ही तुम इस क्लास में आने के हकदार हो। दूसरा क्लास है वेवरिंग। नॉर्थ कोरिया के ऑलमोस्ट 45% लोग इस क्लास में आते हैं। इस कैटेगरी में वो सारे लोग आते हैं जो पहले साउथ कोरिया या फिर चाइना में रहते थे, या उनके फैमिली के अगर कोई भी रिलेटिव साउथ कोरिया में चले गए हो तो वो लोग इस क्लास में फॉल होते हैं। नॉर्थ कोरिया
है कि सरकार के हिसाब से इन लोगों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इसीलिए 24 घंटे इन पर एक सख्त निगरानी रखी जाती है। एंड थर्ड एंड द लास्ट क्लास इज हॉस्टाइल। इस क्लास में 27% लोग आते हैं, वो भी ऐसे लोग जिनके पूर्वज जमींदार थे या फिर कोई बिजनेसमैन थे। और इसके अलावा इस क्लास में वो भी लोग आते हैं जो दूसरे धर्मों को फॉलो करते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले क्रिश्चियन लोग। अब इसके अलावा अगर बाकी क्लासेस में से भी किसी इंसान ने कोई इलीगल काम किया, जैसे कि देश के बाहर किसी दूसरे देश में किसी इंसान को कॉल करना, तो वो इंसान भी ऑटोमेटिकली इस क्लास में आ जाता है। अब हर किसी का सॉन्ग बन उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड में प्रिंटेड होता है। कोई भी इंसान अपना सॉन्ग बन को चेंज नहीं कर सकता और तीसरे क्लास से एलीट क्लास में जाना तो फिर नामुमकिन ही है। अब ये सॉन्ग बन सिस्टम नॉर्थ कोरियंस के लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, जॉब से लेकर शादी तक, सब कुछ उस इंसान का सिर्फ ये सॉन्ग बन ही डिसाइड करता है। वहाँ पे कोई भी इंसान अपने मन पसंद से कोई भी जॉब नहीं कर सकता। कोर या फिर एलीट क्लास ही यूजुअली पॉलिटिशियंस बनते हैं और मिलिट्री में भी सारे बड़े से बड़े रैंक्स भी इनको ही मिलते हैं। बट बाकी के दोनों क्लासेस वाले लोग, अगर तुम एलीट क्लास के हो तो फिर तुम आगे जाके हायर एजुकेशन ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हॉस्टाइल क्लास के हो तो भूल जाओ। फिर मैटर नहीं करता कि तुम पढ़ाई में चाहे कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो। यहाँ तक कि कोई एलीट क्लास वाला अगर किसी नीचे क्लास वाले से शादी भी करता है तो उसके साथ उसके पूरी फैमिली का क्लास भी गिर जाता है। और ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन किस क्लास में है, गवर्नमेंट के पास हर इंडिविजुअल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि माइंड यू हर 2 साल में अपडेट किए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे उनकी नजरों से छुपकर कुछ भी करना मतलब इम्पॉसिबल ही समझो। सो अब आप सोचो, सीरियसली, अगर लाइफ ऐसी हो तो बोलो कौन नहीं भागना चाहेगा अपने देश से। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही समझो, क्योंकि 1953 में इन दोनों भी देशों के बॉर्डर्स के बीच में एक जोन बनाया गया था, कोरियन डीमिलिटराइज जोन, KDZ। इस जोन को पूरे दुनिया का सबसे हैवीली गार्डेड जोन कहा जाता है और आए दिन दोनों भी साइड के सैनिकों के बीच आपसी मतभेड़ होती रहती है, और जिसके कारण इतने सारे सालों में हजारों सैनिकों की जानें भी चली गई है। तो फिर आखिर कैसे ये नॉर्थ कोरियन लोग इस जोन को क्रॉस करके साउथ कोरिया भाग रहे? वेल, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया डायरेक्टली भागना इम्पॉसिबल है, इसीलिए लोग जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की ओर। चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के बीच में एक यालो नदी बहती है और इस नदी में बीच में कई जगहों पर पानी की धार बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके कारण उन एरिया से लोग आसानी से क्रॉस करके उस पार चले जाते हैं। लेकिन नदी क्रॉस करने के बाद भी तुम्हारी जेबें बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज बॉर्डर पर पहुंचने के बाद तुम्हें वहां का बॉर्डर पार करने के लिए चाइनीज सैनिकों को रिश्वत देनी पड़ती है। अब ऐसा है ना कि यहाँ के बाद आगे का पूरा सफर आपके बजट पे डिपेंड करता है। एक बेसिक बजट से आप बॉर्डर तो क्रॉस कर लोगे, पर फिर वहाँ से आपको खुद छुपते छुपाते मंगोलिया या फिर वियतनाम तक का सफर खुद से तय करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप सीधे साउथ कोरिया जा सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो फिर कुछ हाई एंड स्मगलर्स आपका पूरा सफर आपके लिए बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। अपने कनेक्शन से और कम रिश्वत देके वो आपका पूरा सफर और ज्यादा स्मूथ और ज्यादा छोटा बना सकते हैं। फिर एक बार आप साउथ कोरिया पहुंच गए तो फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट हंसी खुशी हर एक नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजी को अच्छे से वेलकम करती है। इसके अलावा साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो हर एक रेफ्यूजी को अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करता है। The law ensures asylum seekers receive benefits such as monthly living expenses, government housing and a special visa so they can work while their claims are being processed. हर इंसान को 8 मिलियन वॉन यानी पूरे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और बच्चों के पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ले लेती है। इतना ही नहीं तो वो इन रेफ्यूजीज को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और कई सारे जॉब सेक्टर्स में तो इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस भी अवेलेबल है। बट वेट अ मिनट, अगर कोई नॉर्थ कोरिया से भागते हुए पकड़ लिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है? वेल, सबसे पहली बात तो चाइना नॉर्थ कोरिया के रेफ्यूजीज को अपने देश में आने बिल्कुल नहीं देता है। चाइना में इनफैक्ट उन्हें इलीगल रेफ्यूजीज करार किया जाता है और इसीलिए इन रेफ्यूजीज को बहुत ही छुपते छुपाते साउथ कोरिया तक का सफर तय करना पड़ता है कि अगर वो गलती से भी चाइना में पकड़ गए तो उन्हें वापस से नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। और एक बार अगर ये रेफ्यूजीज फिर से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते हैं तो फिर बस उनकी पूरी जिंदगी किसी जीते जागते नरक से कम नहीं होती, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पहुंचते ही उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स या फिर किसी पॉलिटिकल प्रिजंस में भेज दिया जाता है। यहाँ पे 30 से 40 रेफ्यूजीज को एक साथ एक छोटे से कमरे में रखा जाता है जहाँ पे और कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ एक टॉयलेट होता है। इनफैक्ट वहाँ तो उन्हें चलना भी अलाउड नहीं है, उन्हें पूरे टाइम रेंगना पड़ता है। एंड इसके साथ ही नॉर्थ कोरियन सैनिक जब चाहे जहाँ चाहे उन्हें बिना किसी वजह के बिना किसी मतलब के मार सकते हैं।
अब इनके बच्चों को री एजुकेशन कैंप्स पे भेजा जाता है जहां उन्हें लिटरली ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो किम परिवार के लिए हमेशा लॉयल रहे। अब ये तो चलो वो लोगों का हश्र होता है जो पकड़े जाते हैं, लेकिन वो लोग जो पकड़े नहीं जाते उनके परिवारों के साथ क्या होता है? उस भागे हुए नॉर्थ कोरियन के पूरे परिवार को उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाल दिया जाता है और दूर किसी पहाड़ी इलाकों में भेज दिया जाता है जहां पे ह्यूमन कम्युनिकेशन एकदम ना के बराबर होता है। वहां पर उन्हें खुद ही सब कुछ करना होता है और यहां तक कि पानी और बिजली जैसी बेसिक नेसेसिटी भी अवेलेबल नहीं होती है। और इनफैक्ट अगर वो कभी बीमार हो गए तो वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। अब अगर फ्लॉलेस इन लोगों की ऐसी जिंदगी है तो आपका इस पर क्या ओपिनियन? क्या ये लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर अपने देश से दगा कर सही कर रहे हैं या फिर उन्हें अपने देश में ही ऐसे घुट घुट कर जीना चाहिए? अब हम और आखिर पूरी दुनिया इस क्लियर कट ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन पर क्या कर सकती है? कैसे बाकी कंट्रीज नॉर्थ कोरियंस की मदद कर सकते हैं? और इन सारे नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब रूल्स में से आपको सबसे ज्यादा अजीबोगरीब कौन सा रूल लगता है? आपके जो भी आंसर्स है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके शेयर करो ताकि सब लोग जाने कि नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरियंस की हालत कैसी है। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करने में मजा आता है तो फिर मेरे चैनल गेट सेट लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।